नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे माध्यमिक विद्यालय या मिडिल स्कूल में खाना बनाने वाले रसोइयों की कुल कितनी भर्ती होती है। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो जो खाना बनाने वालों की शासकीय स्कूलों में भर्ती होती है वह उस विद्यालय की दर्ज छात्र संख्या के आधार पर होती है। यदि छात्र संख्या अधिक है तो रसोइयों की भर्ती अधिक की जा सकती है, छात्र संख्या कम है तो उसमें कमी भी आ जाती है। किंतु अधिकतम मध्य प्रदेश में कि शासकीय विद्यालयों में एमएस या मिडिल स्कूलों में रसोइयों की संख्या में दो भर्ती हो रही है। मध्य कम से कम दो और अधिकतम दो ही रसोइयों की भर्ती की जा रही है। किंतु ऐसा नहीं है, यदि आपके विद्यालय में रसोइयों छात्र संख्या अधिक है तो रसोइयों की वृद्धि की जा सकती है। अब कितनी छात्र संख्या होने पर 3 रसोइयों की भर्ती कर सकते हैं, यदि आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस पर जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। नमस्कार।